नमस्कार। आज ये ऑनलाइन क्लास में मैं फिरोज गुहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे हीरे का परमाणु गुण, या जो कार्बन थे, कार्बन के अपरूप। पहले अपरूप था, अपरूप के बाद में कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप दो प्रकार के बताए थे, क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर मैंने बताया था हीरा, ग्रेफाइट, प्लेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीरा। इंग्लिश में बोलते हैं हीरे को डायमंड। हीरा क्या होता है? हीरा कठोर, पारदर्शी, कठोर पारदर्शी रंगहीन पदार्थ है, ठीक है। सबसे पहला हीरे की जो पहली विशेषता होगी, हीरा कैसा है? कठोर। ज्ञात जितने भी ज्ञात पदार्थ है उनमें सबसे कठोरतम पदार्थ है ये। हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। कठोर, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, इन आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी होता है, कठोर होता है, रंगहीन होता है। आगे देखो इसकी विशेषता अगली। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणु से घिरा होता है। जिसके कारण इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत का होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत का होता है कुचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक, ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कारण है हीरा विद्युत का कुचालक होता है? तो इस तुम देखोगे हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण हीरे की संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। आए देखो संरचना, हीरे की जो संरचना है वो है चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, और इसकी तुम संरचना तुम देखोगे तो यही इसकी संरचना थी। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी, हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है या बंध लंबाई है वो होती है 1.54 अमरस्ट्रॉन्ग। और 1.54 अमरस्ट्रॉन्ग को हम बोलते हैं 154 PM। पीएम का मतलब पैरामीटर, 154 PM लिख सकते हो या 1.54 अमरस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। एक बात है, एक अमरस्ट्रॉन्ग बराबर था 10^-12 मीटर, और एक पीएम बराबर
होता है 10^-12 एक अमरस्ट्रॉन्ग का मान होता है 10^-10 मीटर और पीएम का होता है 10^-12 मीटर। ये कान लिख लेना। अब देखिए इसके उपयोग, हीरे के उपयोग कहां पर होता है, पत्थर एवं कांच काटने में, पत्थर एवं कांच काटने में, दूसरा रत्न आभूषण बनाने में, अन्य में फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम ध्वनि को चेंज करने का एक यंत्र होता है फोनोग्राम, सुई में, श्रोता चट्टानों काटने में, वो काटने में, ये इनके उपयोग है। इसके हीरे के उपयोग, पत्थर में कांच काटने में, रत्न आभूषण गहने ज्वेलरी बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में यंत्र होता है फोनोग्राम ध्वनि को चिन्ह देने, चट्टानों को काटने में इसका उपयोग होता है हीरे का। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्रिस्टलीय प्रूफ हीरा। अगला जो आपका दूसरा क्रिस्टलीय प्रूफ है कार्बन का, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट GRA, ठीक है। ग्रेफाइट की विशेषता देखो, ये ग्रेफाइट शब्द बना किसे, ग्रेफाइट शब्द बना है ग्रेफो शब्द, एक शब्द है ग्रेफो, ग्रेफो जिसका अर्थ क्या होता है राइटिंग, ग्रेफो का अर्थ क्या होता है राइटिंग, और राइटिंग यानी होता है लिखना। ठीक है, ग्रेफो का अर्थ क्या होता है राइटिंग, राइटिंग यानी होता है लिखना। अर्थात पेंसिल होती है ना, अपनी पेंसिल, शीशा पेंसिल, कच्ची पेंसिल, वो किसकी बनी होती है ग्रेफाइट की। बोलते हैं हम शीशा पेंसिल है, लेकिन वो वास्तव में बनी किसकी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, अब इसकी विशेषता में देखो, ग्रेफाइट की विशेषता, पहली विशेषता है ग्रेफाइट काले दूसरा रंग का मुलायम, काले दूसरा रंग का मुलायम चमकीला पदार्थ होता है, दूसरा संरचना, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है, षटकोणीय परतदार होती है, किसकी संरचना ग्रेफाइट की। इन परतों के मध्य की दूरी, अधिक व इनके मध्य दुर्बल बंधन होने के कारण, ये परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट शुष्क स्नेह के रूप में काम करता है। कार्य क्या कारण है कि ग्रेफाइट शुष्क स्नेह के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका कारण तुम लिखना कि ग्रेफाइट की जो परतें हैं उन परतों के मध्य की तो दूरी अधिक होती है, एक उनके मध्य दुर्बल बंध होता है, जिस कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती है फिसलती रहती है, और इस फिसलने के कारण ही इसका उपयोग किसके रूप में कहता है
उसके सहायक के रूप में कहते हैं। ठीक है, अगली इसकी विशेषता होगी ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य परमाणु से घिरा रहता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हीरे में। प्रत्येक परमाणु चार अन्य परमाणु से घिरा होता है, जिसके कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण हीरा का विद्युत का कुचालक। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य परमाणु से जुड़ा था, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का होता है सुचालक। इस कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सुचालक। प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि क्या कारण है, हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो का कारण तुम लिख देना हीरे की संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इस कारण वो कुचालक की तरह काम करता है। जबकि ग्रेफाइट ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यह सुचालक की तरह कार्य करता है। अंतर हो गया, ठीक है। ये हो आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अब देखो उपयोग क्या उपयोग होते हैं। उपयोग एक तो इम्पोर्टेंट है ही पेंसिल बनाने में, पेंसिल बनाने में। दूसरा शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में पेंसिल बनाने में, शुष्क स्नेहक के रूप में। तीसरा परमाणु या नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। मंदक का मतलब होता है परमाणु, इतना लिख सकते तुम नाभिक रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। क्या करने में, मंदक यानी कि अभिक्रियाओं को मंद करने में इसका उपयोग। अगला इलेक्ट्रोड बनने में, शेल और बैटरियों का इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का उपयोग। ये उपयोग इसके पेंसिल बनाने में, शुष्क स्नेह के रूप में, नाभिक के इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड बनाने में, इन सब में किसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, अब इसकी संरचना तुम देखो तो देखो बना लो इसको साथ साथ। ठीक है, इसकी पदार्थ संरचना होती है और कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी इसके अंदर तुम देखोगे तो होगी इसकी 140.5 PM, जबकि ये जो बंद ये जो परतों के मध्य जो की है ये 380 PM, 380 PM, 380 PM या इसको ऐसे लिख सकते 3.80 आमतौर में लिख सकते। ठीक है, हाँ
ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है वो 141.5 पीएम और इसके मध्य परतों के मध्य है 380 पीएम। उपयोग उपयोग हो गया, संरचना होगी और इसके प्रमुख गुण। अगला है तीसरा, इसका है फुलरीन। तीसरा जो अपरूप है कौन सा है? फुलरीन। फुलरीन फुलरीन की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर नामक आर्टिस्ट ने की। वास्तुकार है बकमिंस्टर फुलर, कहां का ये? अमेरिका का। इसने इसकी खोज की फुलरीन से, बकमिंस्टर फुलर नामक वैज्ञानिक या वास्तुकार ने इसकी खोज की। और इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है। ठीक है, फुलरीन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल जैसी। और देखिए फुलरीन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 60 से 70 या अधिक, 70 से या इससे अधिक हो सकती है, 60 से 70 या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। कार्बन परमाणु की संख्या फुलरीन के अंदर 60 से 70 या फिर 70 से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, C60 फुलरीन, ये जो फुलरीन है ये सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, सर्वाधिक स्थायी। C60 फुलरीन जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 60। इस फुलरीन की ये फुलरीन है, ये सबसे अधिक स्थायी है और इसी फुलरीन को हम बक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं या इसे बकी बॉल भी कहते हैं, बक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं इसको, इसे बक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। इसका और नाम क्या है? बकी बॉल, इसे बकी बॉल भी कहते हैं। बॉल भी एक और नाम इसका क्या है? बकी बॉल। ठीक है, C60 जो फुलरीन है इसके अंदर 32 प्लग पाए जाते हैं। C60 जो फुलरीन है इनमें कितने प्लग पाए जाते हैं? 32 प्लग पाए जाते हैं, 32 प्लग पाए जाते हैं। और इन 32 फलकों में से 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय है। और जो 12 फलक होते हैं वो होते हैं पंचकोणीय है। 12 फलक कैसे होते हैं? पंचकोणीय है, पांच कोण वाले। और यह है फुलरीन विद्युत का होता है सुचालक, क्या होता है? सुचालक है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है, कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी है। ठीक है, फुलरीन होता है ना फुलरीन, उस फुलरीन की खोज अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार है बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलर उसने की थी। और फुलरीन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 60 से 70 या 70 से भी अधिक हो सकती है। C60 जो फुलरीन है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, इसके अंदर 32 फलक पाए जाते हैं, इनमें 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय और 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। और इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल जैसी। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है, सर्वाधिक C60 जो फुलरीन है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है। ठीक है, और फुलरीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए इसकी संरचना कैसी होती है। इसके अंदर देखिए
पीछे पंच कोणी है, षट कोणी है, अलग बने हैं। पंच कोणी देखो, पंच कोणी भी है, षट कोणी है, पंच यानी पांच कोण है, षट यानी कि छठ, पंच कोणी षट कोणी अलग। इसकी चर्चा किया फुटबॉल जैसी, ठीक है। अब इसके उपयोग, कार्बन कार्बन के मध्य की जो दूरी तुम लिख सकते हो 1.40 एंगस्ट्रॉम। उपयोग, इसका पहला उपयोग है आणविक बेयरिंग निर्माण में, आणविक बेयरिंग निर्माण में। दूसरा, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। तीसरा था उच्च ताप पर, उच्च ताप पर है अति चालक होने के कारण, अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण होता ही है, ठीक है। ये इसके तीन उपयोग है, आणविक बेयरिंग निर्माण में, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, और उच्च ताप पर यह क्या होता है, अति चालक की तरह काम करता है। इसी कारण है ये तकनीकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपका कार्बन के जो क्रिस्टलीय प्रूफ है वो हीरा ग्रेफाइट इंक्लिन। एक ये इम्पोर्टेंट है कि हीरे और ग्रेफाइट में क्या अंतर पाए जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर पाए जाते हैं, लिखित रूप। हीरा विद्युत, ये है हीरा, कैसा होता है, कठोर पारदर्शी, कठोर पारदर्शी है ना, रंगहीन पदार्थ। जबकि ग्रेफाइट कैसा है, मुलायम, काले दूसरे रंग का, चमकीला पदार्थ, ठीक है। दूसरा अंतर है, इसकी जो संरचना है वो होती है चतुष्फलकीय, हीरे की संरचना किस होती है, चतुष्फलकीय है, जबकि इसकी जो संरचना है वो होती है षटकोणीय परतदार। कैसी होती है संरचना, षटकोणीय परतदार। यह विद्युत का केस होता है कुचालक, यह विद्युत का केस होता है सुचालक होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट और इनके उपयोग लिख सकते हो, मेन मेन जो अंतर है ये इम्पोर्टेंट है। नोट कर लो इसको, कई बार प्रश्न आता है हीरे और ग्रेफाइट में अंतर है, लिखो, लिख सकते हो आराम से। ये कठोर पारदर्शी रंगीन पदार्थ है, ये मुलायम काले दूसरे रंग का चमकीला पदार्थ है, ठीक है। ये चतुष्फलकीय होता है, इसकी संरचना षटकोणीय होती है, ये कुचालक होता है, ये सुचालक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला जो आपके दे रखा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या प्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो क्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं सीएफसी, और इसका एक और नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या बोलते हैं, प्रियोन, और क्या बोलते हैं इसको, प्रियोन भी बोलते हैं, एफआरई, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या प्रियोन क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन एवं फ्लोरीन से जुड़कर पूरी कर लेता है, जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन व फ्लोरीन से जुड़कर पूरी करता है, तो इस प्रकार बने पदार्थ को या इस प्रकार बने यौगिक को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। लिख सकते हो तुम, जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन व फ्लोरीन, क्लोरीन व फ्लोरीन
से जुड़कर पूरी करता है तो बनने वाला पदार्थ, तो बनने वाला पदार्थ या बनने वाला यौगिक शेप से करता है, ठीक है। जब कार्बन अपनी श्वेता, जिसे कार्बन है ये क्लोरीन से जुड़ गया, क्लोरीन से जुड़ गया, कैसे हो सकता है? सीएल तीन जोड़ सकते हैं या फिर तीन एफ जोड़ सकते हैं या फिर सी एच एफ सी एल सी एल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सीएफसी। जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन एवं क्लोरीन से जुड़कर पूरी करता है, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों होने चाहिए, क्लोरीन भी होना चाहिए और फ्लोरीन भी होना चाहिए, कम से कम एक एक तो होनी चाहिए, तब जाकर वो पदार्थ क्या कहलाएगा? फ्रीगोन, ठीक है। तो देखिए यह इसकी एक और प्रिपरेशन लिख सकते हो तुम, एल्केन के पॉलीक्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न को अब देखिए यदि इनके उदाहरण तुम लिखना चाहते हो सीएफसी के, तो जैसे उदाहरण लिख सकते हो सीएफसी के उदाहरण, जैसे सी एफ टू सी एल टू सी एफ सी एल थ्री या सी एफ थ्री सी एल या सी एच एफ सी एल टू, ऐसे लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। बनाने विधि निर्माण कैसे, इसका सीएफसी का निर्माण कहता है, लिखो। जब सीसीएल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की एचएफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एचएफ बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HBCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाने पर CFC का निर्माण हो जाता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4 इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं HF यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में? HBCl5 स्टेनलिक क्लोराइड HBCl5 की उपस्थिति में हम करवा रहे हैं, तो क्या पड़ जाएगा? CFCl3 plus HCl, ये आपका जो बना CFCl3 ये क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? फ्रियोन 011 कौन सा है? फ्रियोन 011। तो देखिए इसका नामकरण करने की विधि, फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं या सीएफसी का नामकरण इंपॉर्टेंट है, ये भी सीएफसी का नामकरण कैसे करते हैं? कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो उसका नामकरण करने की एक विधि है, सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रियोन अक्स वाई जेड, ऐसे लिखते हैं
कोई भी यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या सीओसी हो तो उसे लिखने का होता है एक नियम। सबसे पहले लिखते हैं फ्रियोन, फिर लिखते हैं अक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान। अक्स होता है कार्बन की संख्या, अक्स क्या होता है कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या को हम लिखते हैं एक घटाकर माइनस करके। जितनी कार्बन की संख्या होती है जैसे पांच है तो माइनस एक कर दो तो कितनी लिखनी पड़ेगी, चार। यदि एक है कार्बन की संख्या तो वहां पर लिखना पड़ेगा जीरो, क्योंकि एक में से एक घटा दोगे तो क्या आएगा, जीरो। वाई है हाइड्रोजन की संख्या, वाई यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, और यहाँ पर वाई का जो मान है वो प्लस एक करके लिखते हैं। यदि हाइड्रोजन की संख्या एक है तो लिखेंगे दो, यदि दो है तो तीन, यदि जीरो है तो एक। और जेड, जेड यहाँ पर है फ्लोरीन की संख्या, और फ्लोरीन की संख्या लिखते हैं सेम, जितनी है उतनी, एक है तो एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे, और तीन है तो तीन लिखेंगे। अब देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये लिखते हैं सी एफ टू सी एल टू, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम लिखना होगा। तो नाम लिखने के लिए सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे, प्रियोन, क्या लिखेंगे, प्रियोन। इसके बाद में हम लिखेंगे देश, अक्ष का मान लिखेंगे, अक्ष का मान क्या होता है कार्बन की संख्या एक घटा के, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है एक, एक में से एक घटा दोगे तो कितनी बचेगी, जीरो। प्रियोन अक्ष का मान हो गया जीरो। वाई का मान कितना है यहाँ पर, यानी वाई बताता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की संख्या लिखते हैं एक जोड़कर, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, यानी हाइड्रोजन की संख्या जीरो, और जीरो में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा, एक। तीसरा था जेड, जेड क्या होता है फ्लोरीन की संख्या, और फ्लोरीन की संख्या कितनी यहाँ पर दो, और फ्लोरीन की संख्या को हम जितना है उतना ही लिखेंगे, दो है तो दो ही लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया फ्रियोन जीरो वन टू, सी एफ टू सी एल टू का नाम क्या हो गया, फ्रियोन जीरो वन टू। अब यदि और उदाहरण लेते हैं, जैसे सी एच एफ सी एल टू, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो वही लिखेंगे, वही तरीका है, फ्रियोन अक्ष का मान एक घटा के, यानी एक अक्ष का मान कितना है कार्बन की संख्या कितनी है एक, एक में से एक घटा के तो कितना बचेगा, जीरो। वाई, वाई होता है हाइड्रोजन संख्या, हाइड्रोजन संख्या एक जोड़कर, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितनी है एक, एक में एक को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, दो। और तीसरा है फ्लोरीन की संख्या, वो है जितनी लिखेंगे फ्रियोन टू जीरो टू वन, लिख सकते आराम से, एकदम सिंपल से है। अब मैं देखो उदाहरण लिखता हूँ सी सी एफ थ्री सी एल, इसका नाम क्या होगा, देखो सबसे पहले प्रियोन लिखेंगे, अक्ष का मान कितना है कार्बन संख्या एक घटाकर, एक है एक में से घटाओगे तो कितना आएगा, जीरो। दूसरा वाई हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन संख्या कितनी, हाइड्रोजन संख्या में एक जोड़ कर कुछ दिख रहा है हाइड्रोजन नहीं तो जीरो, जीरो में एक जोड़ दोगे तो एक। जेड है प्लोरीन की संख्या जितनी है उतनी तो तीन है तो तीन। ये इसे नाम लिखते हैं, और कोई सा भी सीएफसी उसका नाम आप तुम्हें लिख सकते हो, जिसे और गांड की तरह जिसे मैं लिख रहा हूँ सी एच सी टू एच टू एफ टू सी एल टू, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका नाम लिखना तुम्हारे को, ठीक है। इसका नाम किस लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे तुम प्रियोन, लिखोगे, फिर इसके बाद देश अक्ष का मान लिखोगे, अक्ष का मान होता है कार्बन की संख्या, वो भी एक घटाकर, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है दो, दो में से एक घटाकर तो कितना बचेगा, एक। दूसरा है वाई का मान, वाई होता है हाइड्रोजन की संख्या एक जोड़कर, हाइड्रोजन संख्या कितनी है दो, दो में एक जोड़ दो कितना आएगा, तीन। और तीसरा है जेड किसका, फ्लोरीन का मान, और फ्लोरीन जितना होता है दो है तो इसका नाम हो गया प्रियोन 132। ऐसे तुम्हें किसी भी सीएफसी का आराम से नाम में लिख सकते हो। अगला है प्रियोन के उपयोग, कहाँ कहाँ पर इसके उपयोग होते हैं तो देगी, यूज कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है तो देखो, प्रियोन का पहला है एसी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में नहीं, ठंड पैदा करने, ठंडक पैदा करने में किसका उपयोग होता है, प्रियोन का उपयोग होता है। एसी रेफ्रिजरेटर में
दूसरा दूसरा है अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में इसका होगा। ठीक है, ये जो दो है बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसके। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही और नेक्स्ट लेंगे।